हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विकास। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें, कोई भी अगर आपका दुकान है या फिर कोई घर है, उसका एड्रेस आपको गूगल मैप पे डालना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लोकेशन या फिर अपने घर कुछ भी एड्रेस है उसको आप बहुत आसानी से डाल पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे का भी निशान दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने पीसी पे चलेंगे या फिर आप कोई मोबाइल यूज करते हैं या फिर एंड कोई भी टैबलेट यूज करते हैं तो हमारे वीडियो पर बने रहें। हम पूरा बताते हैं कि कैसे आपको पूरा एड्रेस लोकेशन वगैरह डालना है। तो हमारे वीडियो पे बने रहें, चलिए पीसी पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको सबसे पहले गूगल मैप, जैसे कि अगर हम दोनों बताएंगे, अगर आप मोबाइल या फिर टैबलेट से यूज कर रहे हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ऊपर में 3 डॉट लिखा होगा, वहाँ पर जाके आपको इसे डेस्कटॉप मोड पर नीचे जाके लिखा होगा, उस पर आपको टिक कर लेना है, ठीक ना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद ऊपर में 3 डॉट लिखा होगा ऊपर, उसके बाद वहाँ पर 3 डॉट में जाकर नीचे डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, और नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके पहले आपको मैप पे जो सर्च करना है, मैप गूगल मैप आपको सर्च करना है गूगल पे, गूगल मैप सर्च करने के बाद इंटर जैसे दीजिएगा तो यहाँ पे आपका गूगल मैप का जैसे ही आप खोलते हैं तो आपका जो गूगल का जो एड्रेस है जैसे आप है तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक ना। और जैसे ही आप आ जाते हैं तो ये पूरा मैप खुल जाएगा। उसके बाद देखिए बाएं तरफ देखिए 3 डॉट जैसे लकीर खींचा हुआ है, उस पर आपको डालना है, ठीक। और जैसे इस पर डालेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें पूरा ऑप्शन वगैरह सब टोटल खुल जाता है। तो आपको यहाँ से मेनू को ओपन कर लेना है, तो मैं जैसे मेनू सॉरी ओपन नहीं हो रहा है, तो हाँ देखिए ये मेनू हो गया। तो उसके बाद देखिए नीचे लिखा होगा, आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे और स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे है ना जितना कुछ है लिखा हुआ, मैप सेटेलाइट ट्रेन, तो इसको नीचे कीजिएगा और नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड ए मिसिंग प्लेस, तो इस पर आपको क्लिक करना है ऐड ए मिसिंग प्लेस। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाता है और आपका जो नाम देना है, मान लीजिए मेरा नाम विकास कुमार है या फिर आपका दुकान का कुछ भी नाम रहे उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी तो आपका किस कैटेगरी में करना, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि जैसे कि रेस्टोरेंट शॉप, अब जैसे शॉप है तो आपका शॉप दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इलेक्ट्रिक सामान है तो अब इलेक्ट्रिक का दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक है ना पूरा वो भी दे सकते हैं। जो है यहाँ पूरा लिस्ट आ जाता है, पूरा 1-2 अक्षर लिखिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा लिस्ट, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते, जैसे कि मैं कुछ भी सामान लें, मेरा रेस्टोरेंट है या फिर मेरा शॉप है तो शॉप लिखते हैं, शॉप तो शॉपिंग आप शॉपिंग स्टोर भी लिख सकते हैं। तो सॉरी मैं इसमें शॉपिंग मॉल लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद आपका जो एड्रेस है तो यहाँ से आप एड्रेस लिख सकते हैं या फिर यहाँ से लोकेशन से आप जो आपका लोकेशन है ऐसे चूज कर सकते हैं जहाँ आपका लोकेशन है इस तरह, और नहीं तो आपका जैसे कि यहाँ देखिए मेरा लोकेशन आ गया, उसके बाद ओके करेंगे तो मेरा ये ऑटोमेटिक यहाँ एड्रेस ले लेता है, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पर झारखंड लेता हूँ, मतलब आपका जो एड्रेस जो जगह है ना वो लिखिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर लोकेशन से इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सर्च और प्लेस भी यहाँ से आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ाइए। और यहाँ से देखिए नीचे कोला दिया हुआ कि ऐड फोटो हाउस वेबसाइट ओपनिंग डेट एंड फोटो, तो जैसे कि यहाँ से आप जो एरो नीचे डाउन कर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरह, तो यहाँ पे आपको कुछ आ जा रहा है कि आप कितना बजे से कितना बजे तक कौन कौन टाइम में कुछ रखते हैं खुला, तो आपको जैसे मान लीजिए मेरा 7 दिन रहता है तो आप जैसे हमेशा टिक यहाँ से आप कितना बजे क्लोज करते हैं है ना, टोटल यहाँ लिखा हुआ है तो आप इतना बजे पूरा टाइम दे लीजिए, संडे है तो संडे को कितना बजे क्लोज करते हैं, ओपन कितना बजे होता है, 24 घंटा ओपन रहता है, जैसे आपका है पूरा एक एक करके क्लिक कीजिएगा। और जैसे कि मैं डाउन किया इसको, उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर है, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिए जो भी है,
उसके बाद देखिए यहाँ वेबसाइट, वेबसाइट है तो देख सकते हैं आप एड ओपनिंग डेट आपका ओपन किए थे वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ यहाँ करने के बाद एड ओपनिंग डेट के बाद आपका एड फोटो होता है, एड फोटो में आपका जो शॉप का दुकान है जो भी है एड्रेस जो भी फ़ोटो वोटो है आप यहाँ फोटो यहाँ से ऐड करा लें। उसके बाद जैसे ही सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद 2-3 दिन लगेंगे और आपका वेरीफाई होके आपको मैप पे आ जाएगा पूरा। तो और अगर मैं इस तरह सिर्फ कुछ नहीं है मतलब कि मोबाइल में भी यही फंडा है और कुछ नहीं है, बस आपको गूगल मैप खोलना है। गूगल मैप खोलने के बाद आपको इस तरह स्क्रॉल दाएं बाएं तरफ दिखेगा, इस वाले जिस तरह बताए थे उस तरह स्क्रॉल कीजिएगा तो ऐड मिसिंग प्लेस है लिखा हुआ, तो उसमें देखिएगा जिस तरह टोटल सेम इसी तरह फीचर्स है जिस नाम जिस इसमें बताया ना अभी लैपटॉप में, तो उसी तरह उसको मतलब गूगल मैप का देखिए उसमें एक ऐप बना हुआ है गूगल मैप, और साइड में देखिएगा बाएं तरफ एडिंग मतलब बाएं तरफ इस तरह डॉट किया हुआ और फिर नीचे देखिएगा ऐड मिसिंग प्लेस लिखा होगा, और उस पर जाकर जितना प्रक्रिया इसमें बताया बस वही प्रक्रिया उसमें भी कर देना है तो पूरा आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखे कोई भी अगर शॉप उप है तो ऑनलाइन अपने गूगल मैप पे डाल सकते हैं और अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी को आप कहना मतलब अपना बहुत से ऐसे इसमें मतलब कि फ़ायदा है इसमें गूगल मैप पे डालने के बाद। तो और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का भी निशान दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे टेक्निकल वीडियो और इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।